नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप एक ब्लॉगर हैं और आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में एक ऑथर प्रोफाइल जनरेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक ऑथर प्रोफाइल बन जाए जब भी मैं कोई पोस्ट डालूं और नीचे मेरे बारे में डिटेल आए। दोस्तों एसईओ के नज़रिए से देखा जाए तो ऑथर प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग का जो भी कंटेंट क्रॉल होता है तो गूगल ये जानता है कि आखिर ये लिखने वाला कंटेंट आखिर कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके बारे में वो कहाँ रहता है, उसकी सोशल नेटवर्क की वेबसाइट फ़ोटो एक्स वाई जेड ये सब गूगल को दिखाना होता है, जिससे समझ जाता है गूगल कि ये एक जेन्युइन पर्सन है और इस बारे में इसकी अच्छी नॉलेज है। तो आपको रैंकिंग में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है और ब्लॉग होने की ग्रो होने के चांसेस। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी आपके ब्लॉग पर काम करते हैं और जो भी कंटेंट डालते हैं उनका आपको ऑथर प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज हम वर्डप्रेस ब्लॉग पर ऑथर प्रोफाइल बनाना सिखाएंगे और आपको क्या क्या कंटेंट डालना है, एसईओ में आपको हेल्प मिल सकती है वो भी आपको बताएंगे। जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपल हम जाते हैं, यहाँ पर एक प्लगइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्लगइन का नाम है, यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर प्लगइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है सिंपल ऑथर बॉक्स। एंड यहाँ पर आपको ये पहला ही मिल जाएगा सिंपल ऑथर बॉक्स। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, आप इसे फ्री पेड दोनों में कर सकते हैं, फ्री में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर पेड लेंगे तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर फंक्शन आपको यूज करने की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले से इसको एक्टिव एंड इंस्टॉल करके रखा है, आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए एंड एक्टिव कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा। अब आपको सेटिंग के अंदर जाना है, यहाँ पर सॉरी इंस्टॉल प्लगइन के अंदर जाना है। एंड इंस्टॉल प्लगइन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑथर प्रोफाइल प्लगइन मिलेगा। यहाँ पर सिंपल ऑथर बॉक्स, ठीक है, तो ये है। आपको सिंपल सा इसकी सेटिंग को ओपन करना है। दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको कुछ सेटिंग में बदलाव करना है आप यहां से कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो अपग्रेड के जो आपके फीचर फंक्शन आपको दिख जाएंगे। एंड यहां पर आपको ईमेल को शो कराना है कि मेरा ईमेल दिखे, तो आप यहां पर ऑन कर देंगे एंड सेव सेटिंग पे कर देंगे। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ओपन सोशल लिंक आइकन न्यू टैब तो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। एंड हाइड द सोशल आइकन, अगर ऑथर बॉक्स में अगर सोशल आइकन है तो आप इसको यहाँ पर हाइड करना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। जो भी आप सेटिंग करें सेव सेटिंग पे जरूर क्लिक करें। अपेरेंस में आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा, मार्जिन ऑथर का कितना रखना है, कैसा क्या रखना है, वो एक कस्टमाइज सेटिंग रहती है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या है और कैसा पसंद करते हैं आप ऑथर बॉक्स को। एंड कलर किस तरह रखना चाह रहे हैं आप, ऑथर नेम का कलर कैसा रखना चाह रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर आपको कैसा रखना है, बैकग्राउंड कलर ऑथर बॉक्स का कैसा होना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग जो आइकन होंगे उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑथर बॉक्स का क्या होना चाहिए, कलर ऑफ ऑथर बॉक्स का पैराग्राफ क्या होना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग आपको करना है और जो भी है, और फिर उसको सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना। वो ग्राफी आपको देखनी है ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देख लेना है और सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर एक आपको करना है फिर एडिट ऑथर प्रोफाइल पर क्लिक। ठीक, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू टैब खुलेगा, यहाँ पर नीचे आना है, आप अपना नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम जो आपको ऑथर प्रोफाइल पर दिखाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर एडमिन निकनेम, एंड यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, एंड यहाँ पर आप अपने फेसबुक यूआरएल, इंस्टाग्राम यूआरएल अगर हैं तो आप डालिए। ठीक है, जितने भी आपके सोशल मीडिया की साइट की यूआरएल हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे। एंड यहाँ कंटेंट लिखना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हो कि जब आप ब्लॉगर हैं तो एसईओ के पर्पज़ से आपका कंटेंट क्या होना चाहिए,
तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमको इस तरह कंटेंट लिखना है इसके अंदर। तो आप अपने बारे में लिखेंगे, आप क्या लिख रहे हैं और किस जानकारी के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। एंड यहाँ पर देन सिटी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर लिंक बनाना होगा आपको। तो लिंक कैसे जनरेट होगा, आपको सिंपल सा लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिंक बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ लिंक डालना है, ठीक है। और लिंक कैसा होगा ग्वालियर के बारे में, जैसे मैं ग्वालियर से ब्लॉग कर रहा हूँ तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर विकिपीडिया खुलेगी ग्वालियर की। तो ग्वालियर के बारे में कुछ जानना चाहता है तो कोई ऑथर प्रोफाइल के अंदर, तो ग्वालियर के बारे में जान सके, इसके लिए हम ग्वालियर का लिंक बनाया हमने, ठीक है। तो ये अगर आप हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर जहाँ से भी है तो वहाँ पर आपको लोकेशन का कोई जानकारी आपको यहाँ पर लिंक बनाना है। तो मैंने ग्वालियर की बना ली। एंड जीवाजी, फिर हम यहाँ पर फिर लिखा है मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीवाजी यूनिवर्सिटी का हमने लिंक डाला है, जिससे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में यूजर जानना चाहे तो वो जान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर प्रोफाइल में आप जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ें तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जिससे गूगल लगता है कि ये जेन्युइन पर्सन है और ये जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, ग्वालियर भी कोई जगह है प्लेस जेन्युइनली, तो सब आपको गूगल को लगेगा कि ये सब चीज़ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने टैक्स से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड आप बताते हो अपने ब्लॉग के अंदर, तो आपने कोई यहाँ से डिग्री ली है तो आप डिग्री का कोई यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, जिससे डिग्री भी क्रॉल हो और गूगल को और ट्रस्ट हो जाए आपसे, ठीक है। तो यहाँ डिग्री नहीं, हमने सिंपल सा माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है कंप्यूटर का, सिंपल सा मैं इस पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर जैसे वो कोई यूज़र डिप्लोमा यहाँ से यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहता है कि डिप्लोमा किया ही आखिर ये यूनिवर्सिटी पढ़ाती भी है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कराती है, तो यहाँ वो चेक कर सकता है यूज़र। दूसरी बार गूगल भी क्रॉल करते हुए चेक करेगा कि ये जेन्युइन है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एजुकेशन होती है कंप्यूटर की। सिंपल से इस पर क्रॉल करूँगा तो माखनलाल यूनिवर्सिटी, सिंपल से माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की एक साइट खुलेगी और गूगल को ट्रस्ट हो जाएगा कि ये जो भी यूनिवर्सिटी है ये कंप्यूटर का डिप्लोमा कराती है, तो ये भी एक जेन्युइन तरीका है, ट्रस्ट बढ़ेगा इससे गूगल को। तो जो मैंने पूरी डिटेल डाली है बिल्कुल एक्यूरेट जेन्युइन है और गूगल इस पर 100% टेस्ट करेगा और मुझे एक क्रेडिट देगा एक जेन्युइन ऑथर का, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रोफाइल तैयार करनी है जिसमें आपको अपने बारे में छोटा सा, आप कहाँ रहती हो, आपने कोई डिग्री ली है तो डिग्री के बारे में, उनके लिंक, आपकी प्लेसेस के लिंक और किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के उसके लिंक, इससे वो सभी जगह क्रॉल करते हुए जान देगा कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज इस तरह का कोर्स कराती हैं और इस व्यक्ति ने डाला है बिल्कुल सही डाला है, और उससे लगेगा कि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सब चीज़ करने के बाद सब कुछ आपको सिंपल सा यहाँ पर ऑथर यहाँ पर इमेजेस डाल सकती हूँ, तो आपको सिर्फ चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑथर अपडेट प्रोफाइल, क्योंकि ये आपकी एक बार होगी तो आप अपडेट ही कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपल सा, एंड यहाँ पर आपको सोशल लिंक्स डालने ऑथर के, जैसे कि ऑथर के नीचे आएंगे तो वो सोशल लिंक यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो मैंने क्योरा डाल दिए, ठीक है, पेंट्रस्ट डाल दिया, यूट्यूब डाल दिया, फेसबुक डाल दिया, लिंक डाल दिया, तो आप यहाँ भी डाल दें, ऊपर भी डाल दें और नीचे भी जो भी हैं, ठीक है। ये ऑथर के रहेंगे, ये पर्टिकुलर वेबसाइट के रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। अब हम चेक करते हैं ऑथर प्रोफाइल हमारा कैसा लग रहा है। सिंपल से नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो हम नीचे आते हैं एंड यहां से एक पोस्ट को खोलते हैं। नीचे आते हैं तो देखिए यहां पर प्रमोद प्रोफाइल का नाम आ गया, यहां पर ये सारी चीजें आ गई जो हमने डाली, एंड यहां पर सारे लिंक आ गए जो हमने दिए थे, तो इस कलर में इस नेम आ गया और यहाँ पर लिंक आ गया। जैसे इन पर क्लिक करेगा यूज़र हमारे बारे में जान सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जब गूगल आपके पेज को क्रॉल करता है या पोस्ट को क्रॉल करता है तो आपकी सारी चीज़ें क्रॉल होती है, तो आपकी प्रोफाइल भी क्रॉल हो रही है और गूगल को इससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है और रैंकिंग के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं, SEO में काफ़ी इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अगर ब्लॉगर हैं इसको आप इम्प्लीमेंट करें, काफ़ी अच्छा है,
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इस तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।